Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Assistant Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you micro teaching skills. Earlier we have discussed the concept, definitions, characteristics, phases, cycle, advantages and disadvantages of micro teaching. And this time I am going to tackle micro teaching skills. सो वॉट आर दी टीचिंग स्किल्स, किसको आप कहेंगे शिक्षण कौशल. हमने ये जान लिया कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें शिक्षण कौशलों को हमको एक एक करके सीखना है, सरल दशा में सीखना है, एक बार में एक कौशल सीखना है. बाद में जब हम सारे कौशल सीख जाएंगे तो उन कौशलों का एकीकरण करके हमको रियल क्लासरूम सिचुएशन में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है. तो शिक्षण कौशल होते क्या है? The activities and behaviors that facilitate student learning are called teaching skills. मतलब वो सारी आपकी क्रियाएं और आपका व्यवहार जिनसे कि विद्यार्थी के अधिगम में सहायता मिलती है वो सभी शिक्षण कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे. यानी आप अच्छे से आप एक्सप्लेन अच्छा कर रहे हैं, उससे फैसिलिटेट हो रही है स्टूडेंट की लर्निंग, वो भी एक टीचिंग स्किल है. आप ब्लैक बोर्ड को बढ़िया तरीके से यूज करते हैं, वो भी एक टीचिंग स्किल है. मतलब वो सारी आपकी एक्टिविटीज और बिहेवियर्स, नॉन वर्बल क्यूज भी इसमें आते हैं जिससे स्टूडेंट लर्निंग फैसिलिटेट होती है, वो टीचिंग स्किल कहलाती है. एन एल गेज ने 1968 में इसको डिफाइन किया कि टीचिंग स्किल्स आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज. यही तीन इसकी खासियत है, विशिष्ट है, अनुदेशन की प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, यानी कि विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाएं एंड प्रोसीजर्स, और वो सभी तरीके जो कि एक शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष में यूज करता है वो शिक्षण कौशल है. दीज आर रिलेटेड टू द वेरियस टीचिंग स्टेजेस ऑफ द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द टीचर परफॉर्मेंस. ये बहुत सारे शिक्षण की प्रक्रियाओं से पे डिपेंड करता है, इससे संबंधित है और टीचर की परफॉर्मेंस के कंटिन्यूअस फ्लो से भी रिलेटेड है. Thus, instructional techniques and procedures used by the teacher in the classroom are known as teaching skills. या हम वो कह सकते हैं कि हर वो तरीका और क्रियाविधि अनुदेशन से रिलेटेड जो हम क्लास में करते हैं वो टीचिंग स्किल कहलाती है. और इंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर मतलब अपने क्लासरूम या स्कूल सेटिंग में टीचिंग स्किल्स का यूटिलाइजेशन करता है. द टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ स्ट्रिक्टली ओवर्ट बिहेवियर्स ऑफ द टीचर, वर्बल एंड नॉन वर्बल. देखिए ओवर्ट है जो हम दिखा रहे हैं, जो प्रेक्षणीय है, वही शिक्षण कौशल है. जो हमारे मन में चल रहा है वो शिक्षण कौशल नहीं है. चाहे हम बोल कर ले, चाहे हम गुस्से में देख रहे हैं आपको, नॉन वर्बल है, लेकिन वो दिखना चाहिए. इसका मतलब टीचिंग स्किल के साथ एक खासियत जुड़ी हुई है कि उसको परिभाषित किया जा सके, उसका प्रेक्षण किया जा सके, उसका मापन किया जा सके और उसमें सुधार संभव हो, वही टीचिंग स्किल्स की कैटेगरी में आएगा. ठीक, कॉम्पोनेंट्स देखते हैं टीचिंग स्किल्स. हर टीचिंग स्किल के तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, ऐसा सिंह एंड जोशी ने 1990 में बताया. इन्होंने कहा परसेप्शन, कॉग्निशन और एक्शन. यानी कि सबसे पहले हम परसीव करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये अच्छा, ये स्किल है, ऐसे हमको करना है, हमको ये सीखना है. फिर हमारे ये कॉग्निशन में आता है, यानी कि हमारे व्यवहार में, हमारे एक्सपीरियंस ऑफ नोइंग, इन विच देयर मस्ट बी सम डिग्री ऑफ अवेयरनेस. मतलब हम उसके लिए अवेयर होते हैं, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में उसको लाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लाते हैं, तो वो कॉग्निशन की स्टेज में आ जाता है. तो स्किल्स आर दस कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज दैट अलाउ द टीचर्स टू कंप्लीट देयर असाइन टास्क. यानी हमारे दिमाग में चल रहा है ना कि हमको ये टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी कंप्लीट करानी है, हमको ये वाली स्किल यूज करनी है, तो ये कॉग्निशन. और जब एक्चुअली हम उसको अपने बिहेवियर में ला देते हैं, एक्शन मोड में आ जाता है, तो वो एक्शन. टीचिंग स्किल्स डिमांड दैट एवरी टीचर हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस हिज और हर परसीव्ड एंड एक्वायर्ड नॉलेज. हमने परसीव भी कर लिया, हमने एक्वायर भी कर लिया, अब आपको उसको एक्शन मोड में लाने की जरूरत है. तो टीचिंग स्किल्स के ये तीन कॉम्पोनेंट्स हो गए, परसेप्शन, पहले आप परसीव कीजिए, फिर उसको अपनी थिंकिंग प्रोसेस में लाइए और फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए. तो परसेप्शन, कॉग्निशन और एक्शन. अब माइक्रो टीचिंग स्किल्स, जिसके लिए ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बात कर रही हूँ. देखिए कौन कौन से कौशलों की बात हुई है. हम सभी जो बीएड करके आते हैं, जो बीएड में पढ़ाते हैं या बीएड करते हैं, उनको पता होता है कि उनको जब बताया जाता है कि आपको भाई माइक्रो टीचिंग अब करनी है या करानी है, तो कुछ स्किल्स हम उनको नोट डाउन करा देते हैं कि ये पांच स्किल हम आपको सिखाएंगे. बहुत सब ज्यादातर जगह पांच सिखाई जाती है, दस भी कहीं कहीं सिखाई जाती है. तो कौन से कौशल हैं, किसने बताए हैं कि ये कौशल है, उन कौशलों के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं. तो टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर फॉर रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये टीचिंग के संग जुड़ गया, टीचिंग स्किल्स के संग. सबसे पहले एलन एंड एसोसिएट्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आपको पता ही है कि एलन साहब ने माइक्रो टीचिंग की बात की, तो उन्होंने कुछ स्किल्स भी हमको बताए, 14 स्किल्स, 14 तरीके के शिक्षण कौशलों की बात एलन ने की. तो ये 14 कौशल आपको नाम से याद होने चाहिए, आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते.
और जब हम पढ़ते थे तब तो हमको 14 याद थे, अब हम भूल गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो आप एज अ स्टूडेंट आप याद कर लीजिए कि कौन से 14 हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी एलन द्वारा आइडेंटिफाइड टीचिंग स्किल नहीं है, तो हमको पता नहीं होगा। तो आप देखिए कि कौन, और आप इससे ये भी तय कर सकते हैं कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे आप अपनी टीचिंग को सुधार सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात एलन साहब ने की सेट इंडक्शन, यानी कि आप पाठ की शुरुआत कैसे करेंगे, ये भी एक कौशल है, इसको भी सीखना पड़ेगा। यूं ही जाके के पाठ की शुरुआत नहीं करनी, पाठ की शुरुआत करने का एक सेट पैटर्न है, आप कैसे इंड्यूस करेंगे चैप्टर। फिर स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि इसको बोलते हैं मतलब उत्प्रेरण, उत्प्रेरक में या उद्दीपन में सॉरी आप विभिन्नता दे रहे हैं। जैसे कभी आपने अच्छे से बोल दिया, कभी आपने टोन चेंज कर लिया, कभी आप गुस्से में बोल रहे हैं, कभी आप प्रेस कर रहे हैं, कभी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए क्लास, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, आप बार बार अलग अलग तरीके से बोर्ड में आइए। फिर लेक्चरिंग, हर टीचर लेक्चर देता है अपनी क्लास में, चाहे वो किसी भी विधि से पढ़ा रहा हो, तो लेक्चरिंग एक स्किल है, कैसे हो अच्छा। बाद में मैं आपसे मतलब आप ये भी जान लीजिए कि हर कौशल के कॉम्पोनेंट्स भी बताए गए हैं कि लेक्चरिंग में मतलब कि कंटेंट होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, इस तरह से कई कॉम्पोनेंट्स। फिर जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं एक्चुअली, तो आपके पास मतलब आप एक प्रोफॉर्मा आपको दिया जाता है, वो प्रोफॉर्मा आप अपनी फाइल में बना के रखते हैं, जो आपको ऑब्जर्व करता है टीचर, वो उस प्रोफॉर्मा में रीडिंग स्किल में चेक करता है, टिक लगाता है कि आपने अबव एवरेज किया है कि बिलो एवरेज किया है, इस तरह से। अगर आप सब में बिलो एवरेज हैं तो आपको वो स्किल रिपीट करनी होगी, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स एक एक स्किल के हैं। उसी तरह से साइलेंस एंड नॉन वर्बल यूज, कभी कभी हम चुप रह के भी वो बात कह जाते हैं जो हम बोल कर नहीं बोल पाते। री इन्फोर्सिंग पीपल पार्टिसिपेशन, पूरा साइकोलॉजी में ये बता दिया है कि स्टूडेंट को हमको री इन्फोर्समेंट देना बहुत जरूरी है, तो पीपल के पार्टिसिपेशन को री इन्फोर्स कीजिए। कैसे करेंगे कि बच्चे का, विद्यार्थी का अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन क्लास में हो। रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर, व्यवहार पहचानना। कम्प्लीटिंग द कम्युनिकेशन, संप्रेषण को संपूर्ण करना। फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, यानी कि हम क्वेश्चन को उसके समय फ्लुएंट हो, हमारे पास इतना हमारे पास फ्लुएंसी हो कि एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन का हम फॉर्मुलेशन तुरंत कर सकें। प्रोबिंग क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन का आंसर बच्चा नहीं दे रहा है तो दूसरे क्वेश्चन से कैसे उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ये प्रोबिंग क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन, आप सबको पता है कि डाइवर्जेंट जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी की खासियत है, तो कैसे हमको डाइवर्जेंट क्वेश्चंस का यूज करना है क्लास में। हायर ऑर्डर क्वेश्चन, सबको पता है कि हमको सिर्फ लोअर ऑर्डर थिंकिंग से काम नहीं चलाना है, हमको हायर ऑर्डर थिंकिंग का इस्तेमाल करना है क्लासरूम में, तो वो तभी होगी जब हम हायर ऑर्डर क्वेश्चंस का इस्तेमाल करेंगे। अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछिए, आप मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछिए, तो ये हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हो जाएंगे। इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जांपल्स, जब आप बीएड टीचिंग करते हैं प्रैक्टिस टीचिंग में आपको बताया जाता है कि आपको कोई ना कोई टीएलएम ले जाना है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, तो उसका इलस्ट्रेशन का भी एक तरीका है ताकि वो एडिटिव इफेक्ट शो करे, उसके यूटिलाइजेशन से फायदा हो। ये ना हो कि वो एक ऑब्स्टेकल की तरह ऐसे क्लास में बस आप लेकर चले आए हैं, उसको कब दिखाना है कब हटाना है आपको इसके बारे में पता नहीं, तो इलस्ट्रेशन आपको आना चाहिए। प्लैंड रिपीटिशन, रिपीट भी करेंगे तो सुनियोजित तरीके से, और जिस तरह से पाठ को शुरू करने का एक कौशल है उसी तरह से पाठ का समापन भी एक कौशल है। ऐसे नहीं बात करते करते हम अचानक से क्लास खत्म करेंगे, अच्छा भाई ठीक है हम जा रहे हैं कल, नहीं, जो आपने पढ़ा है, जो लेसन प्लानिंग करते हैं बाद में, हम लोग एक्चुअली उसको फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन हमें करना चाहिए कि हम एक जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर हम उसको थोड़ी देर बाद हम उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, फिर हम उसको रिपीट करेंगे, फिर हम उसका रिकैपिटुलेशन करेंगे, और तब खत्म करेंगे पाठ कोई ना कोई प्रश्न दे के, कोई ना कोई फॉलो अप क्वेश्चन पूछ के। लेकिन जनरल जब हम सिर्फ जब प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं हम तभी ये प्लान फॉलो करते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं करते हैं, बस ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये माइक्रो टीचिंग के स्किल्स एलन ने बताए। फिर बीके पासी साहब ने 1976 में एनसीईआरटी के थे, उन्होंने कहा कि 13 टीचिंग स्किल बताई। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्किल इनमें कॉमन है कौन सी अनकॉमन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि किसने क्या बताई, और भी बहुत लोगों ने बहुत बहुत बताई, बट ये मेन। तो 13 कौन से शिक्षण कौशलों की बात की है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, आपको अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखने आना चाहिए, क्लास को कैसे लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करना है क्लास में, ये आप ये स्किल है आप सीखिए इसको। यूजिंग ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, आप उसको कितना बढ़िया लिखते हैं, कितना सुंदर लिखते हैं, कितना लेजिबल है, पीछे से दिख रहा है, साफ है, स्पष्ट है,
हम लोग जब प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपको लिखना व्हाइट, अगर ब्लैक बोर्ड है तो व्हाइट चॉक से है, डायग्राम के लिए आप कलर चॉक इस्तेमाल कीजिए और सब कुछ। रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, जिसमें रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर एलन साहब ने भी बताया, प्यूपिल पार्टिसिपेशन की बात उन्होंने भी की, साइलेंस और नॉन वर्बल क्यूज की बात उन्होंने भी की, फिर फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग की वो भी बात कर रहे हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग की वो भी बात, मतलब लेक्चरिंग एक्सप्लेनिंग मोर और लेस अलाइक, इलस्ट्रेशन की वो भी बात कर रहे थे ये भी कर रहे हैं, री इन्फोर्समेंट उन्होंने भी कहा ये भी कर रहे हैं, स्टिमुलस वेरिएशन भी वो कह रहे हैं और अचीविंग क्लोजर भी वो कह रहे हैं, मतलब मोर और लेस ये वही है जो एलन साहब ने बताया, बस थोड़ा सा एक यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड ही अलग से आ रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात है, वहाँ कहाँ ब्लैक बोर्ड यूज हो रहा होगा, ग्रीन बोर्ड यूज हो रहा होगा, वो भी कम यूज हो रहा होगा, यहाँ तो ज्यादातर पढ़ाई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड पर ही हो रही है, अब वो भले ग्रीन बोर्ड आ गए हैं लेकिन उनमें भी वही कॉम्पोनेंट चलेंगे कि लेजिबल हो, स्पष्ट हो, जल्दी लिखें, ये ना हो कि पूरे टाइम आप ब्लैक बोर्ड से जाने में ही व्यस्त हैं, तो ये सब सिखाया जाता है, हर स्किल का प्रोफॉर्मा बना हुआ है, उपलब्ध है, बच्चे को पता होता है, जैसे कि रूब्रिक में होता है कि पहले से आपको पता है कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स पे आपकी रेटिंग की जाएगी, उसी तरह से इसमें रूब्रिक बनी हुई है, बताइए कि लेजिबल था कि नहीं, फास्ट था कि नहीं, फ्लुएंट था कि नहीं, तो इस तरह से टीचर आपको रेट करके बताएगा कि आप अगर ये स्किल में आपने कैसा परफॉर्म किया, अगर आप अबव एवरेज हैं तो वेल एंड गुड, आप दूसरी स्किल पर चले जाइए, पर अगर आप बिलो एवरेज हैं तो आपको ये स्किल रिपीट करनी होगी। ओके, तो ये बताने का तरीका ये कि हमको ये पता होना चाहिए कि एलन ने 14 दी, वी के पासी ने 13 दी, कौन सी कॉमन है, कौन सी अनकॉमन है, और इनके नाम याद कर लीजिए कि ये कौशल, आप भले 5 की ट्रेनिंग आपके यहाँ कराई जाती हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी स्किल्स होती हैं, और अगर हम बेहतर शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमको इन स्किल्स में पारंगत होना होगा, हमको सीखना होगा, मास्टरी हासिल करनी होगी। ओके, तो अब जाके माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो कम्प्लीट हुआ। ठीक, so in this way I have completed this one too. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.